Welcome to my YouTube channel. My name is Shreya and in today's video we will discuss about struggling. Struggling is also known as rate struggling. What is struggling? सबसे पहले हम बात करेंगे heavy charged particles के बारे में. अब आपको पता होगा कि हर heavy charged particle के पास अपनी अपनी kinetic energies होती हैं. लेकिन कुछ identical charged particles की बात करें जो identical हैं, उनकी kinetic energy, initial kinetic energy same भी हो तब भी जो उनकी रेंज है, किसकी रेंज? एब्जॉर्बिंग मटेरियल की, जो उनके जो वो एब्जॉर्बिंग मटेरियल के अंदर जो उनकी रेंज है ना, वो डिफर करती है. दे डू नॉट हैव द सेम रेंज इन एब्जॉर्बिंग मटेरियल. मतलब रेंज कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, जो उनकी रेंज है वो कुछ ना कुछ पॉइंट से वेरिएट करती है. सो देयर इज ऑलवेज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंज ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स. और होती है स्मॉल इंटरवल से ही है, कोई भी अराउंड एवरेज, एनी एवरेज वैल्यू, और इसको हम कहते हैं एवरेज रेंज. ओके, सो बेसिकली स्ट्रगलिंग इज वेरी कॉमन इन ऑल द हेवीली चार्ज पार्टिकल्स. अब बात करेंगे इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हमने, जैसे हमने खुद भी डेरिवेशन की थी हेवीली चार्ज पार्टिकल्स की, तो उस केस में क्या हुआ था ना, हमने ये अज्यूम किया था कि जो हमारे हेवीली चार्ज पार्टिकल्स है वो एक लीनियर पाथ फॉलो कर रहे हैं, है ना. वी हैव अज्यूम दैट दे आर फॉलोइंग अ लीनियर पाथ, बट इन एक्चुअल दे आर नॉट फॉलोइंग लीनियर पाथ. दिस वॉज जस्ट मेंट फॉर अवर इजीनेस टू सॉल्व द डेरिवेशन, बट इन रियालिटी दे वर फॉर्मिंग इन अ zigzag पाथ. दे वर मूविंग इन अ zigzag पाथ, दे वर नॉट मूविंग इन अ लीनियर पाथ. तो अब ऑफकोर्स हमने तो देखो जो डेरिवेशन की थी वो लीनियरली पाथ फॉलो करके की थी, हमने यही अज्यूम किया था, तो रेंज का जो आंसर है वो तो गलत हुआ ना, है ना, जो हमने रेंज की वैल्यू, क्योंकि एक एक कोई भी एग्जांपल ले, ए पार्टिकल zigzag फॉलो कर रहा है, एक पार्टिकल लीनियर फॉलो कर रहा है, तो दोनों की रेंज तो बहुत वेरी करेगी. लीनियर और zigzag में जमीन आसमान का फर्क है, तो इसीलिए तो. लेकिन पर होता क्या है ना, हम जो हमने जो रेंज निकाली हम उसे गलत नहीं करेंगे, लेकिन जो उसे ना हम लेस इनकरेक्ट कह रहे कि वो थोड़ी इनकरेक्ट है, जो एक्चुअल वैल्यू होगी रेंज से उससे थोड़ी सी कम सही है, और मतलब अप्रोक्सीमेशन है उसकी. सो दैट इज ऑल अबाउट अवर फैक्ट. अब बात करते हैं सेकेंड फैक्टर. अब देखिए, ये हमें पता होनी चाहिए कि जब भी कोई भी आयन अपनी एनर्जी लूज करता है तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस आते हैं. ओके, दूसरा, जब भी कोलिजन होती है तब भी फ्लक्चुएशंस होते हैं. सो बेसिकली देयर आर फ्लक्चुएशंस इन एनर्जी लूज बाय आयन एज वेल एज फ्लक्चुएशंस इन द नंबर ऑफ कोलिजंस पर यूनिट पाथ लेंथ. अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन ने कितना पाथ कवर किया, हम उसकी रेंज निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो हमने मटेरियल लिया है, क्या पता उसकी डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो. हमें क्या पता कि जो डेंसिटी उसकी यहाँ इस पोर्शन में है वही डेंसिटी उसकी उस पोर्शन में होगी. हो सकता है यहाँ कम हो, वहाँ ज़्यादा हो, वहाँ ज़्यादा हो, यहाँ कम हो. ओके, वी आर नॉट अश्योर. तो उस केस में क्या होता है ना, जो हमने वैल्यू निकाली थी इलेक्ट्रॉन्स की वो ज़रूरी नहीं है ठीक हो, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन ने कुछ पाथ कवर किया तो दूसरे इलेक्ट्रॉन ने इतना पाथ कवर ना किया हो, क्योंकि डेंसिटी अलग है. वो डिपेंड करता है अब्जॉर्बिंग मटीरियल पर, क्या उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है या उसकी डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है. तो बेसिकली डिफरेंट पार्टिकल मे कवर डिफरेंट पाथ्स, वी नेवर नो. तो अब हम, जैसे ये आपके सामने ग्राफ ड्रॉ किया है, ग्राफ ड्रॉ करना है हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पेनिट्रेटिंग, कि उस मटेरियल में हमने कितने पार्टिकल्स एंटर करवाए थे और उनकी रेंज, पार्टिकल्स पेनिट्रेटिंग वर्सेस देयर रेंज, तो वो ग्राफ प्लॉट करेंगे. अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये ऑरिजिन से लेकर आर तक ये बिल्कुल कॉन्स्टेंट जा रहा है. ये है इंटरनल रेंज कर्व, इसे हम कहते हैं इंटरनल रेंज कर्व. अब आर तक बिल्कुल कोई भी वेरिएशन यहाँ से शुरू हुई, ठीक है, यहाँ तक ये बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है. तो बेसिकली अब ये क्या हो गया, ये जो ओरिजिन से लेकर आर तक का डिस्टेंस है ये क्या हो गया, रेंज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है. मतलब यहाँ तक कोई वेरिएशंस नहीं आई, इस ये रीजन को मैं कह दूंगी रेंज. अब देखिए, उसके बाद ये जो आर नॉट है, आर नॉट क्या है, मीन रेंज, मतलब सिर्फ आधे इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ आधे पार्टिकल्स ने यहाँ तक इसको फॉलो किया है. सो ये जो आर नॉट है, आर टू आर नॉट की बात करें, सो दिस इज मीन रेंज, ठीक है. अब इसके बारे में यही रखना है कि सिर्फ हाफ पार्टिकल्स,
सारे ने सिर्फ हाफ पार्टिकल्स यहाँ तक पहुँचे थे या इसको पास किया था। और ये पॉइंट जहाँ पर ये कर्व मीट कर रही है इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज। सो बेसिकली आर ई एक्स इसे कहते हैं हम एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज। ये जो नोटेशंस आई है हमें पता होनी बहुत जरूरी है। ये आगे जो एग्जाम्स आएंगे आईआईटी जैम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं ग्राफ के बेस पर, तो इतने क्वेश्चंस आते हैं ना ग्राफ्स हमें अच्छे से पता होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रगलिंग कहाँ है इस सब में, तो वही तो हमें देखना था। ये जो आर ई एक्स और आर नॉट, आर ई एक्स मतलब हमारा जो एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज है और ये मीन रेंज है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही है स्ट्रगलिंग। सो दिस रीजन दिस आर नॉट टू आर एक्स इज नोन एज स्ट्रगलिंग पैरामीटर। ओके स्ट्रगलिंग पैरामीटर मतलब डिफरेंस, वी कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन आर एक्स एंड आर नॉट इज अवर स्ट्रगलिंग पैरामीटर। ठीक है, तो बेसिकली ये जीरो से आर था रेंज उनका, और आर से आर नॉट उनका मेन रेंज जो हाफ ने पास किया था। आर ई एक्स का था एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज, और अभी हमें ये मिल गया कि जो आर नॉट से आर एक्स वाला डिफरेंस था वो था हमारा स्ट्रगलिंग पैरामीटर। ठीक है, ओके अब मैं आपको इन रेंजेस की डेफिनेशंस बता देती हूँ क्योंकि ये भी बतानी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम आर इसकी बात करें, मीन रेंज जो यहाँ पर आएगा मीन रेंज। व्हाट इज मीन रेंज? So the mean range is the range where number of transmitted particles remains one half of the total transmitted particles. कैसे? RM यानी mean range कहाँ पर लाइक करता था? यहाँ ये मैंने बताया था mean range R naught पर लाइक कर रहा है। Definition के according half रह जाते हैं, graph के according भी half ही तो रह रहे हैं। यहाँ तक पूरा था लेकिन यहाँ आते आते क्या हो गया? Half. So basically mean range is the half of the total number of transmitted particles. So now what is extrapolated range? The value of thickness obtained by extrapolating the linear portion of the decreasing part of intensity distance curve is called extrapolated range. इसके बाद देखते हैं degree of struggling. अभी तक हमने ये देखा, अब बात कर लेते हैं कि struggling की degree, मतलब what is degree of struggling? अब struggling होती क्यों है? Struggling occurs due to the statistical nature of energy loss. क्योंकि उसके अंदर ना बहुत सारे individual collisions होते हैं जिसकी वजह से struggling occur होती है। So what is degree of struggling? उसे हम एक parameter से denote करेंगे SR, degree of struggling. इसका expression है SR is equals to RE minus RM. ठीक है, RE we got it here. R extrapolated and R mean. RM क्या था? मीन रेंज। ओके, सो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ स्ट्रगलिंग। तो इसी के साथ स्ट्रगलिंग का टॉपिक खत्म होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।